हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो आज मैं आई हूँ माँ चामुंडा धाम में, जो कि धर्मशाला के पास है हिमाचल प्रदेश में। सो गाइस, इन दिनों में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आज माँ चामुंडा जी के दर्शन करवाऊँ। तो धौलाधार की पहाड़ियों के नीचे बसा ये माँ चामुंडा का मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आज मैं आपको ये सारा मंदिर घुमाऊँगी और दिखाऊँगी, तो बने रहे मेरे साथ। तो चलते हैं माँ चामुंडा जी के मंदिर, चलिए। तो हम निकल पड़े अपने घर से। तो हमारा एडवेंचर स्टार्ट हो गया है। मम्मी ने कैप लगा ली, इनको बहुत गर्मी लग रही है। ईशान की कैप। तो लो जी, घर से निकलते हुए हम पहुंच गए पालमपुर में। ये है पालमपुर का बाजार। और फिर हम बाजार से आगे पहुंच गए धर्मशाला जाने के लिए, धर्मशाला के रोड पे। तो ये हम जा रहे हैं हरी हरी वादियों के बीच में, प्यारे से जंगल के बीच में हमारी गाड़ी जा रही है। और ये हम पहुंच गए अपने चाय के बागों के बीच में। तो इस खूबसूरती को निहारने के लिए आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, और यहाँ पे जब आप रुकते हो तो चाय की चुस्की का ज़रूर यहाँ पे मज़ा लें। और इन मोड़ों के बीच में ठंडी ठंडी हवाएं, पहाड़ों के बीच में बहुत ही बढ़िया। लो जी, हम पहुँच गए चामुंडा माता धाम में। तो ये है चामुंडा माँ का मुख्य द्वार। तो यहाँ से हम अंदर गए दोस्तों। यहाँ पे पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको बहुत ही आनंद आएगा। देखिए, आज कल गर्मियों के दिनों में कितने सारे लोग आए हुए थे, और इतनी उस दिन गर्मी भी थी। दिन में तो यहाँ पे बहुत धूप होती है, पर सुबह शाम बहुत अच्छा मौसम होता है। आप दर्शन यहाँ पे LED में भी कर सकते हो। बाहर ये स्क्रीन लगाई गई है श्रद्धालुओं के लिए, और जी लाइन में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और देश विदेश से यहाँ पे लोग आए होते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। तो लाइन में खड़े होने के बाद आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी घंटियों की आवाज़ सुनाई देगी। बहुत ही जो माहौल है ना, बहुत ही आध्यात्मिक हो जाता है यहाँ पे। भजन कीर्तन की गुंजन, घंटियों की गुंजन यहाँ पे चली रहती है। बहुत ही अच्छी ध्वनि यहाँ पे आती है। और लो जी, ईशान और ईशान के दादी तो यहाँ बैठ गए हैं, ये थक गए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो मंदिर में आने जाने का भी समय है, तो इस समय का आप ध्यान ज़रूर रखें। और लो जी, ये माता जी का अंदर का परिसर है। काफ़ी देर लाइन में लगने के बाद हमें फिर माता जी के दर्शन हुए। पर प्यारे दोस्तों, मैं आपको दर्शन जो है अभी नहीं करवा सकती, क्योंकि वो दर्शन आपको मंदिर में ही करने होंगे। सिर्फ ये बाहर से मैं आपको दिखा रही हूँ। गाइज, यहाँ पे बहुत धूप है और फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति। अब काफ़ी चेंज हो गया है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आई तो ये सारा कॉम्प्लेक्स जो था ये बन रहा था, बट अब ये बन के तैयार हो चुका है। आप यहाँ पे सुबह शाम कभी भी यहाँ आइए, यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे आप योगासन कर सकते हैं और बहुत ही शांति यहाँ पर मिलती है। और अभी मैं आपको यहाँ बाहर से मंदिर का व्यू दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप मेरे पीछे देख सकती हैं कितना प्यारा, और सामने पहाड़ और यहाँ पर ये मंदिर। ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना धुंध आ चुकी है। अब यहाँ पे बारिश पड़ जाएगी थोड़ी देर के बाद। ये देखिए, ये सामने हिमानी चामुंडा जी का मंदिर है, और मैं मंदिर के इस तरफ खड़ी हूँ। वो सामने मंदिर है। और ये है मंदिर के बाहर की मार्केट, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रसाद, चूड़ियाँ। यहाँ पे मालाएं वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, मैंने ये माला ली। नेक्स्ट ड्रेस के साथ मैं वेयर करूँगी।
फ्रेंड्स हमने दर्शन किए, ये वाली चाट खाई, यहाँ पे हिमाचली कुल्फ़ी भी मिलती है जो कि आपको मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तो ये वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको यहीं तक बनाया है। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।